हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 6.3 क्वेश्चन नंबर 1। आकृति जो है इसके अंदर जो त्रिभुज है PQR में भुजाओं क्यू पी और आर क्यू को क्रमशः कैसे बढ़ाया है। इस भुजा को देखो आगे बढ़ाया है, इस भुजा को थोड़ा आगे बढ़ा दिया, एस तक बढ़ा दिया, और इस भुजा को बढ़ा के टी तक बढ़ा दिया, टी तक बढ़ाया गया है। यदि कोण हमें बता दिया, कोण बताया है एस पी आर, इसमें ये ध्यान रखो कि पी के ऊपर बनेगा कोण, पी पे, तो एस पी आर जो बीच में होता है ना, पी जैसे बीच में है, तो इस पे कोण बना हुआ है। एस पी आर कितना है, 135, और पी क्यू टी, पी क्यू टी तो क्यू पे ही बनना है जो बीच में है, तो पी क्यू टी 110 दे दिया। तो हमें कौन सा कोण निकालना है, पी आर क्यू, इसको हम ऐसे ही दिखा देंगे ताकि हमें पता चले कि हमें ये निकालना है, पी आर क्यू निकालना है। एक बार फिर से देख लेंगे, पी आर क्यू, इसको हम अगर वन नाम दे दें तो ये हो जाएगा वन, ये वन हमें ज्ञात करना है। तो हम ये कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो हम ये देख रहे हैं, अगर इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा के देखें तो ये एक रैखिक युग्म बन रहा है ना, ठीक है, ये एक रेखा है, इसके ऊपर इसने तिर्यक से काटा हुआ है। तो ये कैसे है कि अगर हम एक लाइन ले, उसके ऊपर ऐसे काट दें, तो ये दोनों का जोड़ क्या होता है, 180 होता है ना, ठीक है, तो ये वाला कोण निकल जाएगा, इसका नाम हम 2 दे देते हैं, ठीक है। तो हम ऐसे लिख देंगे, क्योंकि एस क्यू एक रेखा है, एस क्यू रेखा है, अब रेखा है तो रैखिक युग्म बन गए हैं इसमें 135 और 2, ठीक है, ये रेखा है एस क्यू, तो इसके ऊपर जो रैखिक युग्म बन गए हैं, तो हम लिख देंगे कोण 2 जमा 135 बराबर में 180, और ये कैसे हो गया, रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म, यहाँ से कोण 2 क्या आ जाएगा, 180 माइनस 135, 135 इधर जाके माइनस का हो गया, और इनको घटा लेंगे, 5 और 7 में से 3 गया 4, ठीक है, ये 45 डिग्री का कोण 2 आ गया। इसी तरह से आप ये देख रहे हो, हम इसका नाम अगर 3 रखते हैं, कोण 3 भी हम निकाल सकते हैं बड़े इजीली, तो क्योंकि टी आर रेखा है तो रैखिक युग्म बनाएगी, बना रही है, 110 जमा में कोण 3, 110 जमा कोण 3 कितना है, 180, तो कोण 3 आ जाएगा 180 माइनस 110, ये आ गया 70 डिग्री का, ठीक है, ये आ गया है 70 डिग्री का। अब आप ये देख रहे हो, हमें निकालना एक है, 2 और 3 हमने क्यों निकालने हैं, इसका पर्पस देखो, क्योंकि एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज के एंगल के तीनों कोनों का योग क्या होता है, एक त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ 180 होता है, अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो कोण 1 जमा कोण 2 जमा कोण 3 180 होगा हमेशा, कोई भी त्रिभुज होगा उसके तीनों कोनों का जोड़ 180 होता है। तो हम यहाँ लिख देंगे कि त्रिभुज का नाम क्या है, इसमें PQR के अंदर क्या होगा, कोण 1 जमा कोण 2 जमा 3 बराबर में 180 होगा, और लिख देंगे त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़, तीनों कोनों का योग 180 डिग्री। तो यहां से 1 2 3 त्रिभुज के अंदर 3 कोण है, 1 2 3 इन तीनों का जोड़ 180। अब हमें कोण 2 तो पता है, 45 है, 3 भी पता है, तो 1 निकल जाएगा ऐसे, कोण 1 कोण 2 की जगह क्या रखेंगे, 45 डिग्री रख ले, ठीक है ना, यही रखेंगे, कोण 3 की जगह क्या रखेंगे, कोण 3 की जगह रखेंगे 70 बराबर में 180, कोण 1 प्लस में इसको करेंगे 5 7 4 11 बराबर में 180, कोण 1 आ जाएगा 180 माइनस 115, अब 180 में से 115 जाए ऐसे घटा लो, ये आपको सीधा पता है तो सीधा कर लेते हैं, तो 65 आ जाएगा, 65 डिग्री, यही हमें निकालना था, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम पहले से थोड़ा एस्टीमेट लगाएं, ये हमें कोण दिया हुआ था, तो अंदर का कोण हम रैखिक युग्म से निकाल लेंगे,
ये हमें कोण दिया हुआ है रैखिक युग्म से, ये कोण निकल गया और त्रिभुज बन रहा है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ क्योंकि 180 होता है, उससे आप कोण एक निकाल लेते हो। क्वेश्चन नंबर दो, कोण x कितना दिया हुआ है 62, एक्स वाई जेड 54। देखते हैं क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कोण x, यानी x पे है, इसमें तो सीधा ही बोल दिया कि x है, x 62 है और एक्स वाई जेड ये पूरा 54 दिया गया है हमें। यदि y o और z o क्रमश त्रिभुज एक्स वाई जेड के कोण एक्स वाई जेड और एक्स जेड वाई के समद्वि भाजक हैं, ये क्या है समद्वि भाजक। समद्वि भाजक का क्या मतलब है कि अगर समद्वि भाजक क्या होता है कि अगर हमारा इस तरह से ये कोण है 60 का, अगर एक लाइन इसको ऐसे समद्वि भाजक काट दे तो यहाँ ये कोण 30 का और ये कोण क्या हो जाता है 30 का हो जाता है। समद्वि भाजक में ये रेखा क्या हो जाती है, इसको दो कोणों में बराबर बराबर बांट देती है। तो यहाँ पे अगर ये 54 है तो आप इस हिसाब से देख रहे हो कि क्या बन जाएगा, ये कोण पूरा क्या है 54 है, तो ये कोण हमारा अंदर वाला क्या आ जाएगा 27। ठीक है, तो हम ये कैसे लिखेंगे, वाई ओ कोण एक्स वाई जेड, कोण एक्स वाई जेड बोला हुआ है हमें कि वाई ओ, ये जेड ओ को भी छोड़ें, वाई ओ किसका समद्वि भाजक है, एक्स वाई जेड का समद्वि भाजक है, एक्स वाई जेड का समद्वि भाजक है। अगर समद्वि भाजक है तो क्या हो जाएगा, फिर हमारा ये ओ जेड वाई कितने का हो जाएगा, कोण ओ वाई जेड भाई ओ वाई जेड होगा ना, ये ओ वाई जेड क्या होगा 54/2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 27 डिग्री। ठीक है, अब क्या करें, हमें निकालना क्या है, पहले तो हम ये देखते हैं हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ओ जेड वाई तो ये कौन निकालना है, इसका नाम अगर हम एक दे दें और वाई ओ जेड निकालिए, वाई ओ जेड ये कोण निकालना है, इसको अगर हम दो बोल दें तो हमें कोण एक और कोण दो निकालना है। देखो ये 27 निकल गया है, अगर इनमें से एक कोण और निकल जाए तो हम ये वाला तो निकाल लेंगे। इसके लिए आप ही देखो पूरा त्रिभुज में, ये भी एक त्रिभुज है, इसमें ये 62 दिया हुआ है, ये 54 दिया हुआ है, तो दो कोण दिए हुए हैं, तीसरा कोण हम कैसे निकाल लेंगे। हाँ जैसे आप समझ रहे हो सही समझ रहे हो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 होता है, और तो त्रिभुज एक्स वाई जेड में देखें, ये त्रिभुज एक्स वाई जेड है ना, इसमें क्या हो जाएगा कोण एक्स प्लस में कोण वाई प्लस में कोण जेड, ये क्या हो जाएगा 180, और कोण एक्स हमें 62 दिया हुआ है, वाई कितना दिया हुआ है 54 है ना, प्लस में कोण जेड बराबर में 180, इनको जोड़ लें 4 और 2 6 6 और 5 11 प्लस में जेड बराबर में 180, तो कोण जेड कितना आ जाएगा 180 माइनस 116 ही तो आ जाएगा, ये घटा लो 7 में से 1 गया 6 64 आ गया। ठीक है, तो कोण जेड पूरा क्या आ गया 64 आ गया। ठीक है, ये कोण ये पूरा जो कोण है ये आ गया 64 डिग्री। तो कोण एक कितना आएगा, क्योंकि ये जेड ओ जो है जैसे इसमें लिखा था, तो जेड ओ जो है किसका समद्वि भाजक दिया हुआ है जेड ओ कर्मश्य एक्स वाई जेड और एक्स जेड वाई का समद्वि भाजक दिया हुआ है ये जेड वाई, तो यही बात है, अगर ये ऐसे करके समद्वि भाजक दिया हुआ है ये लाइन, और ये कोण हमारा कितना आ गया था 64 का, पूरा 64 का आ गया, तो इतना कितना आ जाएगा 32 का आ जाएगा, इसका आधा होगा ना 32। ठीक है ना, तो इसको लिखेंगे कैसे कि जेड ओ जो है एक्स जेड वाई का समद्विभाजक है। तो ये कोण का नाम क्या है ओ जेड वाई, जिसको हमने कोण एक लिखा है, तो चाहे कोण एक लिख दो, कोण एक कितना आ जाएगा 64/2,
32 डिग्री। अब हमने एक कोण एक निकालना था, ओ जेड वाई को हमने एक लिख लिया था और वाई ओ जेड को कोण दो लिख दिया था। अब हमें निकालना है कोण दो भी। देखो हमें ये दो पता है, एक पता है, इस त्रिभुज को देखें ओ जेड ओ वाई जेड को, तो कोण दो है ये, और ये क्या है 27 है, और एक भी निकल आया, एक कितना निकल आया 32। तो हम लिख देंगे त्रिभुज ओ वाई जेड में कोण, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, ओ वाई जेड है, यहाँ पे लिखा हुआ है हमने ओ वाई जेड प्लस में, अगर आप चाहो तो इसका नाम तीन भी लिख सकते हो, जैसे भी लिखना चाहो, कोण दो जमा कोण एक, ये 180। इसका रीजन दोबारा ये लिख देना, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है। ओ वाई जेड कितना आया हुआ है, 27 आया हुआ है, ठीक है, वहां से दिख भी रहा है हमें 27 है, प्लस में कोण दो, कोण दो हमें निकालना है, प्लस में कोण एक 32 पुट कर दो, तो कोण दो प्लस में इन दोनों को जोड़ेंगे, 7 और 2 9, 3 और 2 5, ठीक है, ये बराबर में 180 हो गया, कोण दो आ जाएगा, कोण दो कैसे आएगा, 180 में से 59 घटा के, तो कितना आ जाएगा 121 डिग्री आ जाएगा कोण दो। तो यहाँ से आप एक बार फिर रिकैप ले लें इस क्वेश्चन को, अगर इस क्वेश्चन में से देख के ही समझेंगे, इसका डायग्राम हम एक बार फिर से बना लेते हैं थोड़ा सा बड़ा बड़ा, ताकि आपको और क्लियर हो जाए। ये हमें ऐसे दिया हुआ था, ये 62 है, ये ओ, अच्छा ये पूरा 54 दिया हुआ है, और ये हमें नहीं दिया, इसका नाम है एक्स वाई जेड। तो हमें ये 62 दिया, ये 54 दिया, सबसे पहले तो त्रिभुज की प्रॉपर्टी लगा के, ये वाली त्रिभुज की प्रॉपर्टी लगा के ये कोण जेड जो है 64 निकाल लो, सबसे पहले ये 64 आ गया, ठीक है, 64 आ गया, ये इसको अध्याय में भाग रहा है, तो ये 54 का 27 बन गया, ठीक है, और ये 64 का बन गया 32, इतना 32 बन गया। अब क्या करेंगे, त्रिभुज के ऊपर वही तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है, उससे आप क्या निकाल सकते हो, ये भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें।